पूरी तरीके से जंग वाला जो नजारा है वो देखा जा रहा है। किसानों और पुलिस ने सफेद झंडे लगाए हैं। किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच को 2 दिनों के लिए टाल दिया है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की तरफ से सफेद झंडे लगा दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि किसान आंदोलनकारी और हरियाणा पुलिस रात के लिए संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार है। ये एक नई घटना है जो पहली बार किसी किसान आंदोलन में देखी जा रही है। इसके अलावा सवाल यह है कि किसानों के अगले कदम पर सरकार की नजर क्यों है। किसानों ने दिल्ली कूच को फिलहाल 2 दिनों के लिए टाल दिया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन गुरुवार को हरियाणा में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हाईवे जाम करता हुआ नजर आया। पहाड़ खोदने वाली मशीन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गैस मास्क, आंदोलन के लिए किसानों की पूरी तैयारी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। किसानों ने इस बार बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग्स को तोड़ने के लिए पोकलैन मशीनें वहां लाकर खड़ी की हुई हैं। इन मशीनों का उपयोग पहाड़ों और सड़कों को खोदकर सुरंग बनाने के लिए किया जाता है।